सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो कल हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो स्टार्ट किए थे और 40 आर्टिकल तक हमने पूरा पढ़ लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? तो बच्चे अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कुछ एक कंडीशंस के अंदर जो सरकार होगी वो सहायता करेगी। वो कंडीशंस क्या, तो देखिए सबसे पहले लिखा बुढ़ापा। जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, तो ये सरकार की तरफ से कुछ दशा में एक सहायता है, ये सरकारी सहायता है। दूसरा विकलांग है, वैसे विकलांग लोगों की पेंशन बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसी को बहुत ही कम दिखता है या किसी के हाथ पैर कट गए हैं, तो उनको सरकार की तरफ से विकलांग सहायता मिलती है, उनको गाड़ी वगैरह दी जाती है। दूसरा शिक्षा की हम बात करते हैं तो प्रौढ़ शिक्षा यानी बूढ़ों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था वगैरह की जाती है। तो 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात करता है। तीन प्रकार की बातें मैंने बता दी भाई, बुढ़ापे में बुढ़ापा पेंशन मिलती है, विकलांग को अलग से सहायता मिलती है, और शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई है। 42 के बच्चे बात करते हैं तो 42 क्या कहता है समझिए। मनोचित दशा का मतलब क्या, मतलब मान लीजिए कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। मान लीजिए आप फोर्थ क्लास की ड्यूटी पे, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आपको ग्रुप डी में आप लगे हुए हैं, और मान लीजिए आपको फिजिकल ज्यादा तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आप ग्रुप डी में लगे हुए हैं। अब मान लीजिए आपको बुखार है या आपकी तबीयत खराब है, तो जब तक आपकी तबीयत खराब है तब तक आपको ऐसा काम दे देना चाहिए जो आप आराम से कर सको, यानी आपको करने लायक हो, ठीक है। तो मनोचित का मतलब होता है जो चीज मन के लिए उचित है, मन के फेवर में जो चीज है, तो उसे कहते हैं मनोचित दशा। यानी ऐसा काम आपको मिलना चाहिए जो आपके लिए मनोचित हो, आपके मन के लिए कोई काम उचित हो। उसके बाद क्या कहा गया, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का मतलब होता है डिलीवरी पे। देखो मान लीजिए कि आप सुना होगा आप लोगों ने, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेडी, तो उसकी डिलीवरी का सबको पता चल जाता है कि भाई डिलीवरी डेट डॉक्टर पहले ही बता देता है अल्ट्रासाउंड वगैरह करके। तो डिलीवरी डेट के 3 महीने पहले और डिलीवरी के 3 महीने बाद तक सरकार की तरफ से छुट्टी मिलती है, और उस छुट्टी की तनख्वाह भी मिलती है। तो ये एक प्रकार की क्या है, प्रसूति सहायता, यानी डिलीवरी के टाइम पे दी गई सहायता है। इवन जो उसके पतिदेव होते हैं अगर वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उसकी पत्नी की अगर डिलीवरी होने वाली है तो उसको 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक भी उसको छुट्टी दे दी जाती है, और इवन उसकी सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। तो भाई मनोचित का मतलब कोई भी काम आपके मन के लिए उचित होना चाहिए। दूसरी बात है कि प्रसूति सहायता वगैरह मिलती है। अब हम बात करते हैं 43 की। 43 करता है निर्वाह मजदूरी। मान लीजिए आप किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो आपको इतनी तो मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे आपका निर्वाह हो सके और आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो उम्मीद आप समझ गए हैं। एक बार 43 का और देख लेते हैं, कामगारों की भागीदारी। देखो कामगार होते हैं लेबरर, काम करने वाले। मान लीजिए किसी भी कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, कामगार लेबरर हैं, और उस कंपनी के मालिक जो हैं, जो बॉडी होती है गवर्निंग बॉडी, उसने कुछ ऐसा रूल बना दिया या ऐसा नियम बना दिया जो कामगारों के लिए उचित नहीं है या कामगारों के मन के लिए उचित नहीं है। तो ऐसा कहा गया है कि कोई भी जो फैक्ट्री वगैरह है, कंपनी वगैरह अगर कोई बड़े बड़े फैसले लेती है तो कामगारों की भागीदारी ले लेनी चाहिए। यानी कामगारों से भी पूछ लेना चाहिए कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, आपसे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं हम कामगारों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी। ऐसा नहीं कि कोई भी मजदूर मान लीजिए वहां से बहुत सालों से काम कर रहा है और कंपनी ने ऐसा फैसला ले लिया जो उसके लिए उचित ना हो, तो ऐसा भी सही नहीं है। तो कोई भी फैसला लेते टाइम किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं पर भी कोई फैसला लेते टाइम वहां काम कर रहे लेबर को से भी भागीदारी ले लेनी चाहिए, यानी कामगारों की भागीदारी ले लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं खै की। खै में क्या, सहकारी। ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होती है, आप लोगों ने गांव वगैरह में सुने होगी, कमेटी जो होती है वो उसका प्रावधान की बात की गई है। अब हम बात करते हैं 44वां, ये 44वां अनुच्छेद क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करेंगे, देखो 44 यानी 4-4 मतलब इक्वल है, जैसे 4-4 है, समान समान है, बराबर बराबर है। इसको कहा जाता है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये है क्या, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि आप भारत में कहीं पर भी रह रहे हैं, आप भारत के वासी हैं, आप कहीं पर भी रह रहे हैं, किसी भी राज्य में वास करते हैं, आपने कोई भी जुर्म कर दिया, कोई भी गुनाह कर दिया, तो आपको सेम कानून के तहत सेम सजा मिलेगी। लेकिन कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे समान सिविल संहिता नहीं लगती है, यानी कि जो सिविल है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। देखो सबसे पहले विवाह की बात करते हैं, तो यहाँ पे धर्म की बात होगी, जाति की बात होगी, वंश की बात होगी।
तो यहाँ पे आपने देखा होगा हिंदू में विवाह अलग प्रथा से होता है, मुस्लिम में विवाह अलग से होता है, मुस्लिम तो कई कई भी शादी कर लेते हैं लेकिन हिंदू तो एक ही कर पाता है। तो विवाह के आधार पर समान सिविल संहिता नहीं है। दूसरा भाई तलाक के बात पर, जैसे आपने देखा होगा कि मुसलमान में 3 तलाक होते हैं, जैसे तलाक ए बिद्दत, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। तलाक ए बिद्दत में बच्चे बताना क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल दिया, या फेसबुक पे मैसेज करके बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो मतलब तलाक। तो यह क्या भाई, ये मतलब एक प्रकार की समान सिविल संहिता थोड़ी ना, हिंदू में अलग है, मुस्लिम में अलग है, सिख में अलग होगी, ईसाइयों में अलग होगी, तो यहाँ पे समान सिविल संहिता नहीं लगती है। वसीयत की बात करते हैं, सब धर्मों में जो वसीयत का हिस्सा होता है वो अलग अलग होता है। मतलब जैसे हिंदू में वसीयत ज्यादातर मेल कैटेगरी को मिलती है, जो माँ बाप की जो वसीयत है वो ज्यादातर किसको मिलती है, बेटे को मिलती है, बेटी को नहीं मिलती है, लेकिन हिंदू धर्म में बेटी को भी मिलती है, सॉरी मुस्लिम धर्म में। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मुस्लिम धर्म की बात करें, तो मान लीजिए कोई दादा है, उसका बेटा हुआ, फिर उसका पोता हुआ, मान लीजिए उसका बेटा गुजर गया, अब उस दादा की मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने पोते को वसीयत दे या ना दे, लेकिन हिंदू में तो मिल जाती है। तो कहने का मतलब विवाह में, तलाक में, वसीयत में या गोद में, जैसे आप सभी को पता है जब आप किसी को गोद लेते तो आपकी उम्र और जिसको आप गोद ले रहे हैं उसकी उम्र 21 साल का अंतर होना चाहिए दोनों की उम्र में, अदरवाइज आप गोद नहीं ले सकते। तो मतलब देखो अभी तक तो गोवा ने ही ऐसा सुना कि भाई गोवा ने लागू कर दिया, हालांकि क्वेश्चन भी है कि गोवा ने इसको लागू कर दिया और उसके अलावा लागू नहीं हुआ, लेकिन सरकार चाह रही है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कर देगी, ठीक है। हालांकि ये सही भी है, जरूरी भी है, क्योंकि सब कुछ सेम होना चाहिए। अब वैसे तो आपने आर्टिकल 14 पढ़ा हुआ, विधि के समक्ष सभी समान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना समानता, कहाँ समानता बताओ, कहाँ इसमें शादी की बात करेंगे तो कहाँ हिंदू की बात करें तो मुस्लिम की बात करें तो कहाँ समानता नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप समझ गए होंगे समान सिविल संहिता क्या होता है। तो 44 से याद रखें 4-4 यानी इक्वल इक्वल बराबर बराबर सेम सेम। 45 क्या कहता है, 45 कहता है कि भाई देखो पहले 45 में क्या था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा देगी, यानी सरकार जो होगी वो 6 से 14 साल तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देगी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अब क्या हुआ कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क जो शिक्षा है वो कहां पर डाल दी गई, 21 क में डाल दी गई। कहां पे, 21 क में। 21 क कहां है, मौलिक अधिकार में है। लेकिन यहां पे बता दिया गया कि वह 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को हेल्थ के इशू, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो आंगनबाड़ी वगैरह में उसका नाम है, तो समय समय पर उसका वजन होता है, समय समय पर उसको BCG का टीका वगैरह होता है, पोलियो की दवाई वगैरह मिलती है, तो कहां, कौन देता, सरकार देती है ये।